हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेट्रिक ब्रांडिस एंड हिज कंट्रीब्यूशन। क्यों पढ़ेंगे? देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्रीज आर ब्रॉड टॉपिक, उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री में हमने क्या देखा कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, बैकग्राउंड से समझाया मैंने आपको। अभी हम देखते हैं कि डेट्रिक ब्रांडिस को बुलाया गया था इंडिया में, एक जर्मन एक्सपर्ट है डेट्रिक ब्रांडिस, ठीक है। डेट्रिक ब्रांडिस के इंडिया में आने के बाद में उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, अपने कंट्रीब्यूशंस दिए ताकि इंडिया में किस तरह से कमर्शियल फॉरेस्ट्री को किया जा सके, ठीक है। तो अब उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, डेट्रिक ब्रांडिस को देखना चाहोगे क्या? ये देखो, ये है डेट्रिक ब्रांडिस, ठीक है। अब इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, तो अब हम वो देखते हैं। तो व्हाट डिड डेट्रिक ब्रांडिस डू? तो ही बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन व्हिच शुड बी बैक्ड बाय लीगल सैंक्शंस। ये देखो, ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरी कहानी समझा देता है। दो चीजें हैं, डेट्रिक ब्रांडिस बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, साइंस ऑफ कंजर्वेशन समझाता हूं, एंड व्हिच शुड बी बैक्ड बाय लीगल सैंक्शंस, लीगल सैंक्शंस भी समझाता हूं। देखो क्या होता है, डेट्रिक ब्रांडिस ने ये बोला कि आपको अगर कमर्शियल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है, आपको फॉरेस्ट से ज्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट करना है, आपको फॉरेस्ट में फॉरेस्ट को कमर्शियल पर्सपेक्टिव से अगर मेंटेन करना है, तो उसके लिए यू शुड बिलीव इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। एंड साइंस ऑफ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू हिम इज टिम्बर प्रोडक्शन थ्रू कंजर्वेशन, मतलब कि आपको क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा पेड़ों को, काटने मत दो, मतलब अगर कंजर्व करना है इसका मतलब क्या है कि आप पेड़ मत काटने दो किसी को। तो उन्होंने यही बोला, टिम्बर प्रोडक्शन थ्रू कंजर्वेशन, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड। अब क्या होता था कि लोग ग्रेजिंग के लिए चले जाते थे अपने जानवरों को लेके, वो जानवरों को लेके गए तो जानवर क्या करते हैं, छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं उन्हें भी खा जाते हैं, तो पेड़ नहीं बन पाते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है कि लोग लकड़ियां को तोड़ देते थे, लकड़ियों को कैसे तोड़ देते थे, जैसे अब उन्हें अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो पेड़ों पे से लकड़ियां तोड़ लेते थे। तो इस तरह से फेलिंग ऑफ ट्रीज जो है, इन सारी चीजों को क्या किया जाए, इन सारी चीजों को रोका जाए। तो ये डेट्रिक ब्रांडिस ने आर्ग्यूमेंट दिया कि आपको अगर क्या करना है, आपको अगर ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है फॉरेस्ट से, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला उन्होंने, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, साइंस ऑफ कंजर्वेशन पे ध्यान देना होगा। साइंस ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, कंजर्वेशन करना होगा टिम्बर प्रोडक्शन का। टिम्बर ज्यादा से ज्यादा टिम्बर मिलेगा जितना टिम्बर आप बचा पाओगे, जितना टिम्बर बचा लिया मतलब आपने उतना टिम्बर उगा लिया। तो उस सेंस में क्या है कि इन्होंने प्रोडक्शन की बात करी थ्रू कंजर्वेशन, और उसमें ये सारी चीजें आएंगी, क्लियर है, ये हो गया। अब और देखते हैं आगे क्या बोला उन्होंने कि कंजर्वेशन आप कर रहे हो, इस कंजर्वेशन को वी शुड बी बैक्ड बाय लीगल सैंक्शन, मतलब इस कंजर्वेशन प्रोसेस में आपको लीगल सैंक्शंस की मदद लेना होगी। लीगल सैंक्शंस क्या होता है, रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड पनिशमेंट टू दोज हु वायलेट्स देम। इन्होंने बोल दिया कि अगर कंजर्व करना ही अच्छे से, तो इसके लिए लोगों के मन में डर पैदा करना होगा कि कोई भी हार्म ना करे, ये फेलिंग और ग्रेजिंग को रोकना होगा आपको। ये कैसा रोक सकते हो आप, तो उसके लिए लीगल सैंक्शंस लगाओ, मतलब रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड पनिशमेंट टू दोज हु वायलेट्स देम, मतलब जो भी लोग क्या कर रहे हैं, वायलेट करते हैं, अगर किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है, किस चीज का वायलेशन होता है, कंजर्वेशन प्रोसेस का, आपने मना बोल के कहा ग्रेजिंग नहीं करना है, कोई ग्रेजिंग करता है, अगर वो रूल वायलेट करता है तो उससे पनिशमेंट दो। तो ये डेट्रिक ब्रांडिस का बेसिक आइडिया था कि उन्होंने क्या बोल दिया कि साइंस ऑफ कंजर्वेशन लाया जाए, वी शुड बी बैक्ड बाय लीगल सैंक्शंस। साइंस ऑफ कंजर्वेशन समझ में आया, लीगल सैंक्शंस समझ में आया। अब इस आइडिया पे उन्होंने बोला कि इस आइडिया के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस आइडिया के हिसाब से हम गवर्न करेंगे चीजों को, इस आइडिया के हिसाब से हम कमर्शियल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देंगे। तो क्या क्या करते गए, उनका और कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ब्रांडिस सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864, ठीक है। आज आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी के थ्रू ही आईएफएस ऑफिसर भी बनते हैं, वो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, ये डेट्रिक ब्रांडिस ने चालू करी थी कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए भी क्या किया जाए, एक अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया जाए। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो डेट्रिक ब्रांडिस ने स्टार्ट करी थी, ईयर ध्यान रखना है 1864 में, जैसे आप देखते हैं आईएएस ऑफिसर जो होते हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देखोगे आप तो वो भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी थी। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जनक किसे कहा जाता है, डेट्रिक ब्रांडिस को, 1864 में उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया यहाँ पे एक तरह से आपने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जो जंगलों की देखभाल करेगा, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। अब उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को काम करने के लिए रूल्स रेगुलेशन भी तो चाहिए रहेंगे, एक पूरा सेटअप चाहिए रहेगा ना। तो एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। अब आपने जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इस्टेब्लिश की है, उस पूरे डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपको लॉ भी चाहिए रहेगा। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये लॉ लाया गया था, कब लाया गया ये लॉ, 1865 में, ठीक है, 1865 में ये लॉ लाया गया। अब क्या होता है,
ये जो लॉ लाए गए थे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसे दो बार अमेंड भी किया है, दो बार छोड़िए तीन बार अमेंड किया है, लेकिन आपकी बुक में दो बार दिया तो हम दो बार पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार और अमेंड किया है अभी रिसेंटली, वो क्या हुआ था मैं आपको समझा दूंगा। तो हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 वॉज अमेंडेड ट्वाइस। कब कब हुआ था? 1878 में एक बार अमेंडमेंट हुआ उसमें, और दूसरा 1927 में। अमेंडमेंट मतलब क्या? उसमें संशोधन किया गया, चेंजेस लाए गए। तो ये जो लॉ बनाया गया था, इस लॉ को दो बार चेंज किया है आपकी बुक के हिसाब से, और दोनों बार क्या चेंज किया था वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो ब्रैंडिस के कॉन्ट्रीब्यूशन देखते चलना। क्या उन्होंने पहली तो आइडिया दे दिया कि किस तरह से आपको कंजर्व करना है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है तो साइंस ऑफ कंजर्वेशन और लीगल सैंक्शन में विश्वास रखना होगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एस्टैब्लिश किया उन्होंने 1864 में। ईयर ध्यान रखना, वन मार्क्स में आ जाते हैं। 1865 में लॉ लाए, मतलब एक एक्ट बनाया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना दिया, ठीक है, जिसका दो बार अमेंडमेंट क्या हुआ था वो डिस्कस करते हैं अभी हम। फिर उसके बाद में और क्या क्या चेंजेस आए अमेंडमेंट में वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले ये देख लो, यह है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, तो यह भी उनका कंट्रीब्यूशन था। एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? मतलब डेट्रिक ब्रैंडिस ने उसी तरह की गाइडलाइन देखे गए थे। यह कब सेटअप हुआ था? 1906 में। तो 1906 में यह इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया। यहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, यहां पर लोगों को सिखाया जाता था कि किस तरह से काम करना है, कंजर्वेशन का काम अगर करना है आपको, कमर्शियल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है तो कैसे करना है वो, ठीक है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, तो ये उसका लोगो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो आज ऑफिसर्स बनते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। एस्टैब्लिश किसने करा था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस? डेट्रिक ब्रैंडिस ने। अगर समझ में, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट देहरादून इन 1906। अब ये जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज टॉट देयर। अभी अब आपके मन में एक सवाल ये आया होगा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है। तो जो हमने बात की यहाँ पे साइंस ऑफ कंजर्वेशन विच शुड बी बैक्ड बाय लीगल कंजर्वेशन, थोड़ा सा कुछ उसमें अब साइंस के हिसाब से खेती की जाए, उस चीज को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोला गया। अब हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, पूरा एलोबरेटली एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इज परफॉर्म्ड, ठीक है, वो एक अलग वीडियो में कर लेंगे। बाकी आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में लोगों को सिखाया जाता था और फिर उस चीज को प्रैक्टिस किया जाता था जंगलों में, ठीक है। ये हो गया, तो हमने ये पढ़ेंगे हम क्या होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, अमेंडमेंट के बारे में बताता हूँ। बोला था मैंने कि अमेंड किया गया दो बार, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट एक्ट हुआ था 1865 का, तो उसमें दो बार अमेंडमेंट हुए, एक बार 78 में हुआ था, एक बार कब हुआ? 1927 में हुआ। तो ये जो दो अमेंडमेंट हुए थे, इन दोनों अमेंडमेंट में क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अमेंडमेंट लाया गया था 1878 में, उस अमेंडमेंट के हिसाब से फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी हैं तीन कैटेगरीज? तीनों कैटेगरीज समझना, आप सुनते रहते हो ये सारी चीजें। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। अब देखो नाम से समझ में आ रहा, रिजर्व फॉरेस्ट जो रहते हैं, तो ये फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो बेस्ट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जहां पे सबसे अच्छी क्वालिटी का टिम्बर पाया जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा घना वेजिटेशन होता है, तो उसे बेस्ट फॉरेस्ट वाली जो कैटेगरी होती है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आ गई। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज, ठीक है। विलेजर्स अपने खुद के यूज के लिए कुछ ले ही नहीं सकते रिजर्व फॉरेस्ट में। अगर रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ वो लेने जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता था? पनिशमेंट मिलती थी अगर पकड़े जाते थे तो। तो इस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट क्या थे? बहुत जो सैक्रेड होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्रिजर्वड होते हैं, उसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, जहां पे उन्हें बहुत ज्यादा कमर्शियली फायदा मिल सके। फिर ये जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट थे, तो ये लगभग इनमें डिफरेंस है, लेकिन दोनों सेम थे। बट इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट परमिशन इज ग्रांटेड ऑन पर्टिकुलर इशूज। मतलब पर्टिकुलर इशूज क्या है कि जैसे आपको फ्यूल वुड के लिए अगर लकड़ियां चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्टेड या फिर जो विलेज फॉरेस्ट होता है इस एरिया में जा सकते हो। इस एरिया में जाने के बाद में यहां से क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। किन चीजों को? यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्यूल वुड को। फ्यूल वुड मतलब चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ियां चाहिए रहती है। फिर ये बताया गया, एग्जाम्पल, वुड कैन बी कलेक्टेड फॉर फ्यूल और हाउस बिल्डिंग। तो ग्रेजिंग की अगर बात की जाए, तो जैसे विलेज फॉरेस्ट है यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड कर दी जाती थी। तो एक सेंस में अगर आप देखो कि अमेंडमेंट जो लाया गया था, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, मतलब जो फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट लाए गए थे 1878 में, तो उस फॉरेस्ट एक्ट के अमेंडमेंट के हिसाब से तीन कैटेगरी में डिवाइड करा, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड, विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता था वो बता दिया मैंने आपको, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में क्या होता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सिमिलर चेंजेस वर स्टैंडर्ड अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 1927। अब मैंने बताया था दो बार अमेंडमेंट हुआ, तो जो दूसरा अमेंडमेंट 1927 में हुआ, उस अमेंडमेंट में भी इसी तरह की चीजों को स्ट्रेंथन किया गया था, मतलब और मजबूती दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा
पावर किसके पास रहे, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहे, तो उसी चीज के लिए अमेंडमेंट किया गया था। रिसेंटली अभी कुछ सालों पहले एक और अमेंडमेंट हुआ है इसी एक्ट में, जिसके चलते बैम्बू को ग्रास में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब पहले बैम्बू को ग्रास में कंसीडर किया जाता था, अब उस कैटेगरी से हटा दिया है। तो अगर ग्रास को ग्रास की तरह कंसीडर करोगे आप बैम्बू को, तो आप काट सकते थे, लेकिन अब उसे ट्री में कन्वर्ट कर दिया तो आप उसे काट नहीं सकते। पहले क्या है, लोग जंगलों में जाके बहुत सारे बैम्बू ट्रीज को काट लिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो बैम्बू जो है वो ग्रास की कैटेगरी में आता था, लेकिन अब उसे ग्रास की कैटेगरी से हटा के ट्री वाली कैटेगरी में डाल दिया, तो जिसके चलते आप कोई काटेगा नहीं। एक ये नया रिसेंट अमेंडमेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक में नहीं है, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है वो, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ो अभी। तो ये हो गया हमारा जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये इस तरह से अमेंडमेंट करने के बाद में ये चेंजेस आए। अभी सवाल अब यही आता है, देखो क्या क्या सवाल हमने पढ़ा कि डेट्रिक ब्रैंडिस और उनका कंट्रीब्यूशन। तो डेट्रिक ब्रैंडिस और उनके कंट्रीब्यूशन में हमने देखा कि साइंस ऑफ कंजर्वेशन और लीगल सेंक्शन पर विश्वास रखते थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लाए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉर्मुलेट करवाने में मदद करी। फिर हमने देखा कि इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्टैब्लिश होता है, ठीक है, वहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती है। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री अगर होती क्या है, किस तरह से की जाती है, क्लियर है? तो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट वीडियो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। और अमेंडमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 1865 का फॉरेस्ट एक्ट था उसमें क्या अमेंडमेंट लाए थे, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा, अब नेक्स्ट वीडियो में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।